हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश वासन, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी केमिस्ट्री ऑफ क्लास 8 चैप्टर कंबसन एंड फ्लेम। आज का टॉपिक कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबसन। द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबसन टू टेक प्लेस आर प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबसन एंड हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यानी कंबसन के तीन कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर और ऑक्सीजन एंड हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। फर्स्ट कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज एसेंशियल फॉर इनिशिएटिंग कंबसन। इन फैक्ट, कंबस्टिबल सब्सटेंस इज द फूड फॉर फायर। सो वेन एवर फायर टेक प्लेस इन ए रूम, all the combustible substance must be removed from the room so that fire may not spread further। yani combustion ka pehla jo condition hai woh hai presence of combustible substance। yani combustion ke liye combustible substance ka hona zaruri hai। vastav mein combustible substance fire ke liye food ka kaam karta hai। यदि किसी रूम में आग लग जाता है तो हम लोग तुरंत कंबस्टिबल सब्सटेंस को रिमूव करते हैं ताकि आग फैले नहीं। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबसन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशंस इज द सपोर्टर ऑफ कंबसन इज एयर अराउंड अस। जो सेकेंड आपका कंबसन का कंडीशंस है वह है प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑक्सीजन। सो एयर इज नेसेसरी फॉर कंबसन। एयर कंबसन के लिए नेसेसरी होता है। इट मस्ट बी नोटेड द एयर कंटेन ओनली 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। हम लोग जानते हैं कि एयर में 21% ऑक्सीजन है। इन प्योर ऑक्सीजन द कंबस्टिबल सब्सटेंस विल बर्न ऑलमोस्ट 5 times फास्टर देन इन एयर। यानी प्योर ऑक्सीजन से जो आग लगता है वह एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से 5 times फास्टर होता है। इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंबसन स्टॉप। यदि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है तो कंबसन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। व्हेन ए पर्सन क्लॉथ कैच फायर इट इज एडवाइजेबल टू कवर द पर्सन विथ ब्लैंकेट। जब किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग जाता है तो उसे उसके शरीर पर ब्लैंकेट डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। सो एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। थर्ड कंडीशन इज हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। द फर्स्ट ऑफ ऑल इग्निशन टेम्परेचर, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर एंड स्टार्ट बर्निंग इज नोन एज इट्स काइंडलिंग टेम्परेचर और इग्निशन टेम्परेचर। वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस जलना स्टार्ट कर देता है उसको काइंडलिंग टेम्परेचर और इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। एवरी सब्सटेंस हैज इट्स ओन इग्निशन टेम्परेचर। हर सब्सटेंस का अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है।
जिस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर वेरी लो होता है उसको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहा जाता है। एग्जांपल, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वाइट फास्फोरस इज 35 डिग्री सेल्सियस, हेंस इट कैचेस फायर ऑन स्लाइट हीटिंग। वाइट फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसमें यह रूम टेम्परेचर पे जलने लगता है। पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, अल्कोहल और द एग्जांपल्स ऑफ सम अदर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, अल्कोहल ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का एग्जांपल्स है, यानी वह सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर वेरी लो होता है, बहुत कम होता है, उसको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहा जाता है। इन मैच स्टिक केरोसिन, पेट्रोल, वुड, कोल डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ऑन। मैच स्टिक केरोसिन, पेट्रोल, वुड और कोयले में अपने आप आग नहीं लगता है, बिकॉज इट इज बिकॉज देयर इग्निशन टेम्परेचर इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। ए सब्सटेंस कैनॉट कैच फायर इफ इट्स इन टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। किसी कोई भी सब्सटेंस में आग नहीं पकड़ सकता है यदि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो, इग्निशन टेम्परेचर लोअर हो। इफ टेम्परेचर इज लोअर देन द इग्निशन टेम्परेचर, जितना उसका इग्निशन टेम्परेचर है और अगर उससे उसका टेम्परेचर लोअर है तो उसमें वह आग नहीं पकड़ सकता है। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज 233 डिग्री सेल्सियस, यानी जब हम पेपर को गर्म करते हैं 233 डिग्री सेल्सियस पर, तब उसमें वह जलना स्टार्ट करता है। एक क्वेश्चन है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स एज कंपेयर टू ड्राई लीव्स, यानी ग्रीन लीव्स को ड्राई लीव्स की अपेक्षा जलाना डिफिकल्ट होता है, यानी हरे पत्ते को सूखे पत्ते की अपेक्षा जलाना कठिन होता है, ऐसा क्यों? दिस इज सो बिकॉज द ग्रीन लीव्स कंटेन ए लॉट ऑफ वाटर एंड दिस वाटर डज नॉट अलाउ द ग्रीन लीव टू गेट हीटेड टू देयर इग्निशन टेम्परेचर। हरे पत्ते को सूखे पत्तों की अपेक्षा जलाना कठिन होता है क्योंकि ग्रीन लीव्स हरे पत्ते में वाटर होता है, कंटेन ए लॉट ऑफ वाटर। दिस वाटर डज नॉट अलाउ टू ग्रीन लीव्स टू गेट हीटेड टू देयर इग्निशन टेम्परेचर, यानी हरे पत्ते में वाटर होता है जिसके कारण हरे पत्ते गर्म नहीं होता है। टू गेट हीटेड टू देयर इग्निशन टेम्परेचर, यानी जितना उसका इग्निशन टेम्परेचर है उस पर वह गर्म जल्दी गर्म नहीं हो पाता है। ऑन द अदर हैंड ड्राई लीव्स हैव नो वाटर, और जो ड्राई लीव्स है उसमें वाटर नहीं होता है और उसमें आग पकड़ लेता है। थैंक्स।